हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए एक स्टॉक की, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग प्रोवाइड करते हैं, नाम आप सब जानते हैं इसका, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं अभी जो स्टॉक है 1 रुपये के आसपास ये स्टॉक जो है काम कर रहा है, और प्रीवियस क्लोज जो था 1 रुपये 5 पैसे के आसपास था। अगर आज का देखें तो ओपन होता है 1 रुपये पर, और हाई है 1 रुपये 5 पैसे का, और लो भी है 1 रुपये का, और अभी 1 रुपये के आसपास ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अप डाउन 1 रुपये और 1 रुपये 5 पैसे के बीच में ये चल रहा है। और 52 वीक हाई देखेंगे तो 1.35 का है, और लो देखेंगे तो 15 पैसे के आसपास का लो इसने कोविड टाइम पर बनाया था। तो किस टाइप की ये कंपनी है, क्या इसके अंदर कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसके बेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे स्टॉक में क्या ये टर्न अराउंड हो सकता है आने वाले टाइम में, तो क्या इसके अंदर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, या एक ट्रेडिंग पॉइंट बनता है जिसके ऊपर लेकर और कुछ गेन लेकर निकल सकते हैं इसके अंदर से, तो वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ से कितना नीचे जा सकता है और किस टाइप का इसके ऊपर ब्रेकआउट बन सकता है वीकली चार्ट के ऊपर, उसको हम जरूर देखेंगे कि वीकली चार्ट पे ये किस टाइप से काम कर रहा है और कहाँ पर इसके अंदर एक ब्रेकआउट आने का बनता है। तो रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है, किस पॉइंट पे इसे लेना चाहिए और कहाँ पर इसे बेचना चाहिए, तो पहले फंडामेंटल्स भी इसके देख लेते हैं कि फंडामेंटल हमें लंबे टाइम के लिए रखने के लिए बोल रहे हैं या सिर्फ टेक्निकल बेस पे इसे ट्रेड करना चाहिए एक स्विंग ट्रेड की तरह, और उसे कुछ गेन करके निकल जाना चाहिए। तो देख सकते हैं मार्केट कैप जो है 1303 करोड़ का है, ROC देखेंगे तो 6.20 की है माइनस में, ROE देखेंगे तो -315% की है, तो डेट देखेंगे 715 का है, बट डेट को हम बुक्स के अंदर और भी देखेंगे, प्लज 100% किए हुए हैं इन्होंने, जितने भी होल्डिंग है उसे भी हम देखेंगे, उसको 100% इन्होंने प्लज किया हुआ है। इंडस्ट्री पी 23.3 की है, आप यहाँ पर पी दे सकते हैं, नज़र नहीं आएगी क्योंकि EPS जो माइनस में है 1.41 की। इसके बाद आप देख सकते हैं बुक वैल्यू भी इसकी माइनस में है 0.39। स्टॉक अभी 1 रुपये 5 पैसे के आसपास लाइव मार्केट में काम कर रहा है। अगर फेस वैल्यू को देखेंगे तो 10 की है, और डिविडेंड यील्ड ये पे नहीं करते हैं, जैसा 52 भी खाई और लो मैंने बताए 1.35 और 0.15। ये जो है 22 टेलीकॉम सर्कल्स में काम करते हैं और ऑलमोस्ट 28,000 टावर्स हैं इनके पास, और ये बाकी जो कंपनीज हैं उनको रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं, और एक रेंटल बेस के ऊपर, एक लीज बेस के ऊपर इनकी इनकम्स वहाँ से आती है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का ये काम है, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे 5G का एक टाइम स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च जो टाइम दिया गया है स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस शेयर के भी हो सकता है वहाँ से कुछ टर्न अराउंड होता हुआ नजर आए सिर्फ टेक्निकल बेस के ऊपर, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वार्टरली अगर आप देखेंगे इसे, तो सेल्स थी 639 के आसपास हुआ करती थी पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और अब जो है 346 के आसपास की है। इसके बाद आप देख सकते हैं OPM परसेंटेज जो 45% के आसपास थी, अभी 32% के आसपास है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 285 का जो हुआ करता था 112 का है। तो आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस कंपनी के ऑलमोस्ट एक क्वार्टर को छोड़ के सभी में प्लस में रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे एक क्वार्टर को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी में अच्छे रहे हैं, और ये इंप्रूव हो रहे हैं 13%, 28%, 32% के आसपास। अब जो इंटरेस्ट बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट बर्डन आपको यहाँ दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट बर्डन जो है काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी का, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पैसा आता है और इंटरेस्ट ये पे करते हैं, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो आपको माइनस होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मेन कंसर्न जो इसका डेट का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डेट है और मेजर डेट इसकी है। इसके बाद देखेंगे सेल्स 221 करोड़ की हुआ करती थी मार्च 2009 में, अब 1417 की है। OPM परसेंटेज 13% जो हुआ करती थी अब 19% की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहां पर भी देख सकते हैं कि सभी ईयर्स में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हैं अच्छे आए हैं और पॉजिटिव आए हैं। आप देख सकते हैं इंक्रीज नहीं हो रहे बट एटलीस्ट पॉजिटिव हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी सारे के सारे पॉजिटिव आपको दिखाई देंगे, यानी कोर बिजनेस जो है इनका वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है। आप देख सकते हैं इसके बाद जो इंटरेस्ट है
यहाँ पर इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से ही ये आपको है लॉस दिखाई दे रहे हैं कंपनी के अंदर। जो नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर लॉसेज में दिखाई दे रहा है और लॉस जो है बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 1300-1400 करोड़ का लॉस था, फिर 1800, अब भी 1864 का इन्होंने मार्च 2020 में बुक किया है। इसका डेट को हम देख लेते हैं, उससे पहले हम देखते हैं सेल्स ग्रोथ जो है इस कंपनी की 10 साल में 15% के आसपास रही है, 5 साल में 19%, 3 साल में -15% के आसपास है। तो लास्ट के जो 3 ईयर्स हैं उसके अंदर जो ग्रोथ है वो -15 है और TTM भी -2% है। सेम वे में आप देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3 साल में -14% है, TTM जरूर 8% प्लस में है। और स्टॉक का CAGR देखेंगे किस हिसाब से इसने रिटर्न दिया, तो 10 ईयर से -31, 5 ईयर में -15, 3 ईयर्स में -42 और 1 ईयर में 133, यहाँ से नीचे से ये जरूर पिक हुआ है ऊपर। तो डेट देखेंगे जो 3548 करोड़ के आसपास की थी, अब 715 जरूर है, बट अदर लाइबिलिटीज को देखेंगे तो 6758 के आसपास नजर आती है। और सेल्स शेयर कैपिटल देखेंगे 816 की जो थी वो 12407 की है, इसलिए ये शेयर यहाँ से मूव नहीं कर रहा कि शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा है। रिजर्व्स देखेंगे 399 के जो थे अब -12893 के हैं। एसेट्स 5200 जो थे 6900 के आसपास अब नजर आते हैं। आप देखेंगे डेटर डे जो थे, यहाँ पर डेटर डे जो है वो 26 के आसपास जो थे अब 20 के आसपास हैं, एक रेंज के अंदर हैं और ठीक ठाक नजर आते हैं ये भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आप देख सकते हैं 19.52 के आसपास जो इनकी होल्डिंग थी वो अब रिड्यूस होकर 3.39 के आसपास रह गई है। FII की 2.24 है और DIH की 61 आपको जरूर दिखाई देगी, बट इसके अंदर मोस्टली वो बैंक्स हैं जिन्होंने इनको डेट दिया हुआ है या उनके जो डेट है उसको कन्वर्ट किया गया है इक्विटी के अंदर। तो आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, ICICI, सभी बैंकों के आपको नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इनकी जो डेट थी उसको कन्वर्ट किया गया है इक्विटी के अंदर, तो इस टाइप से आपको DII जरूर इस यहाँ पर 61.41% दिखाई देंगे। पब्लिक जो है 32.97 के आसपास है, जिसके अंदर से 16% IDBI के पास है और यूरोपियन प्रोजेक्ट्स 2% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक के पास जो है 18, इसमें से माइनस करते हैं तो ऑलमोस्ट 14-15% के आसपास जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग नजर आती है। अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स कब ये डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं हुई है कि ये रिजल्ट्स कब डिक्लेयर कर रहे हैं। बोर्ड मीटिंग अभी नहीं बताई गई है कि कब ये रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग को देखेंगे तो एक तो प्रमोटर की होल्डिंग 3.39% है, काफ़ी डाउन है, और उसे भी इन्होंने 100% जो है प्लज किया हुआ है यहाँ पर। तो फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। डेट एक मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका माइनस में जा रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है इसके अंदर, तो मेन कंसर्न इसका बुक वैल्यू जो है वो भी आपको माइनस में नजर आएगी। तो फंडामेंटल बेस पे स्टॉक को नहीं लिया जा सकता लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक कि इसकी डेट रिस्ट्रक्चर नहीं हो जाती है, पूरी तरह से कम नहीं हो जाती है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये पैसा कमा रहे हैं नेट प्रॉफिट भी प्लस नहीं हो जाते हैं। तो सिर्फ एक टेक्निकल ट्रेड इसके अंदर जरूर बनता है, एक टेक्निकल लाइन इसके ऊपर हम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे वीकली चार्ट है जो मैंने लगा रखा है। वीकली चार्ट के ऊपर आपको अगर यहाँ से हम एक टेक्निकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस हाई को कनेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल अपने जो है उसके पास में खड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन मैंने लगाई है, वीकली चार्ट है, एक कैंडल जो है वीक को रिप्रेजेंट करती है, और ये काफ़ी पुरानी लाइन है, 2018 से मैंने ड्रॉ की है। और यहाँ पर इस शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, और इस टाइम ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो हाई है 1.30 रुपये, वहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है और 1.30 रुपये जो है इसका एक रेजिस्टेंस अब बनकर आता है। इसको अगर ये क्रॉस करता है तो बिल्कुल ये शेयर जो है 2.60-2.70 रुपये तक भी जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के जो शेयर होते हैं जब बाउंस करते हैं तो अच्छा बाउंस करते हैं। और सेकेंड आप देखेंगे इसके डेली चार्ट के ऊपर, तो आपको एक जो ट्रेंड पता चलेगा वो ट्रेंड है कि यहाँ से ये शेयर था, आप देख सकते हैं 45-46 पैसे का इसने लो बनाया था, उसके बाद ऊपर गया, बट जो लो बनाया उसने एक हाई बनाया है, अगेन यहाँ पर हाई लो बनाया है, यहाँ पर भी हाई लो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जो लो बन रहे हैं वो एक हाई बन रहे हैं, तो अभी भी इसका जो लो बन सकता है वो 95 पैसे तक बिल्कुल ये शेयर आ सकता है, 90-95 पैसे के आसपास ये मिलता है, तो एक टेक्निकल ट्रेड के रूप में इसे बिल्कुल लिया जा सकता है। 1.30 रुपये तक ये शेयर जरूर जाएगा, और यहाँ पर आप
वेट कर सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो बिल्कुल आपको ये अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकता है। बट अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 1.30 रुपए का ये फेस कर रहा है, तो डाउन साइड में इसे लिया जा सकता है। फंडामेंटल बिल्कुल कंपनी के सही नहीं है ड्यू टू डेट, बट आने वाला टाइम जैसे जैसे 5G का है तो हो सकता है कुछ टर्न अराउंड थ्योरी इसकी भी बनती हुई नजर आए। तो एक टेक्निकल ट्रेड जरूर बनता है, डाउन साइड में जो लो बना रहा है ये एक हाई लो जरूर बना रहा है, इसलिए ये स्टॉक जो है 95 पैसे तक आ सकता है, 95 पैसे के आसपास इसे लिया जा सकता है और 1.30 रुपए तक इसे ट्रेड किया जा सकता है। और 31 को तोड़ता है तो बिल्कुल ये 2.60 रुपए तक भी शेयर जाता हुआ आपको नजर आएगा, 260-270 के बीच में। तो छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है और छोटी कंपनी है, तो आप अपने रिस्क होल्डिंग के हिसाब से ही कितना आप रिस्क ले सकते हैं और कितने टाइम के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इसको कंसीडर कीजिएगा कि छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। और पेनी स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया कि एक रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर ही लेने चाहिए, जहाँ से नीचे का रिस्क जो हो कम हो और अपसाइड जाने का ज़्यादा हो। और सेकेंडली पेनी स्टॉक में भी आपको एक पेनी स्टॉक में ना लगा के 4-5 पेनी स्टॉक कंसीडर करने चाहिए, ताकि अगर एक आधे पेनी स्टॉक ज़्यादा गिर जाए और या फिर कई बार डीलिस्ट भी हो जाते हैं इस टाइप के, जैसे केसेरा सेरा है, उत्तम वैल्यू है, अभी BIL एनर्जी के साथ भी इस टाइप का कुछ केस हुआ है। तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ होती है तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा उसके अंदर नहीं लगना चाहिए, पोर्टफोलियो का सिर्फ 2-3% ही आपका पेनी स्टॉक्स में होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको कंसिडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।